हेलो चाहे विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज किस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो इससे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए आपको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का ओवरव्यू लेना जरूरी है, ओके। लेकिन फिर भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के यहाँ पे दूंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ओके बच्चों। जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है। एंड हमारे पास कॉमर्शियली दो तरह के सेमीकंडक्टर है, आपका जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। मतलब या तो हम जर्मेनियम से सेमीकंडक्टर बनाएंगे या फिर सिलिकॉन की हेल्प से बनाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये कि देखिए, जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो ये आपका कौन सी बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कौन सी कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। एंड जो इनके बीच में गैप है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इस फॉरबिडन गैप की जो वैल्यू है वो या तो 1.1 होगी या फिर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हम बात करें किसके लिए, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रेंसिक के लिए। 1.1 होगी सिलिकॉन के लिए एंड 0.7 होगी किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ओके। अब देखिए फॉरबिडन गैप का क्या मतलब है। फॉरबिडन गैप से मतलब है कि ये आपका मना करता है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ओके। इसका ही मतलब है कि ये आपको रोकता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन को मना करता है कि आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि ये क्या किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो इसका मतलब है कि हमें बाहर से एक ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू या तो 1.1 से ज़्यादा हो या फिर 0.7 से ज़्यादा हो, मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी उससे ज़्यादा हो, ओके। तभी आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा और आपकी जो कंडक्टिविटी है वो फ्लो होनी स्टार्ट होगी। लेकिन क्या है कि कंडक्टिविटी यहाँ पर लो होती है। लो क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, ओके, एंड होल्स के नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब होल्स क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूट गया, कहाँ चला गया, वेल कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक एम्प्टी प्लेस बन गया, मतलब यहाँ पर खाली प्लेस बन गया, ओके, सपोज करिए, ओके, तो इसी प्लेस को या इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोबारा से आए तो ये होल क्या जगह भर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा था, माइनस का, तो होल क्या होगा, प्लस का होगा, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। तो इक्वालिटी होने की वजह से, मतलब इक्वल होने की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है। चौथा पॉइंट ये कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, 0 केल्विन कर दिया जाए, तो 0 केल्विन पर यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो कंडक्टिविटी क्रिएट कर सके, ओके। तो 0 केल्विन पर अगर कंडक्टिविटी नहीं होगी तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इंसुलेटर, ओके। तो सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पर किसकी तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या ड्रॉबैक्स थे, तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए क्या लाए, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर लाए। अब एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर है क्या, समझिएगा, एक्सटर्नल, ओके, थोड़ा सा गलती हो गई है, ओके। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो क्या है कि भैया इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्योरिटीज को मिला दें, क्या मिला दें, इंप्योरिटीज, ओके, इंप्योरिटीज, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटीज हमारे यहाँ पे दो तरह की हो सकती हैं, बिकॉज जो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम है इसके पास क्या होती है, फोर वैलेंसी होती है, क्या होती है, फोर वैलेंसी। एंड फोर वैलेंसी होने की वजह से जो सिलिकॉन्स होते हैं वे आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करने की वजह से वहाँ पे कोई भी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, ओके। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स क्रिएट करने के लिए हम क्या डालते हैं, इम्प्योरिटीज, ओके। तो इम्प्योरिटीज डालने पर या तो वहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए या फिर होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, ओके। तो ध्यान रखिए, आपका जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है इसकी जो वैलेंसी है कितनी, 4 है, ओके। अगर आपको इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने हैं तो एक ज़्यादा वैलेंसी का एटम डाल दो, अगर होल्स क्रिएट करने हैं तो एक कम वैलेंसी का क्या डाल दीजिए, एटम डाल दीजिए। तो इसका मतलब है या तो हम इसमें पेंटावैलेंट डालेंगे, कौन सा, पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवेलेंट, ओके।
तो पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट हमारे पास दो तरह की इंप्योरिटीज होती हैं, उसी के बेस पर हमारे जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? पहला पी टाइप, दूसरा एन टाइप। ओके, तो जो पी टाइप और एन टाइप है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर वो किसके बेस पर है? इंप्योरिटीज के बेस पर। अगर आपने डाला क्या? ट्राईवेलेंट। क्या डाला? ट्राईवेलेंट। अब ट्राईवेलेंट में अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि एल्युमिनियम, ओके, तो ये आपका क्या बनेगा? ये बन जाएगा का पी टाइप। अगर आपने डाला पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, ओके, पेंटावेलेंट में जैसे फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस डाल के आपका जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का बनेगा? एन टाइप का बनेगा। बिकॉज यहाँ पर जो है मेजोरिटी किसकी होगी? यहाँ पर मेजोरिटी होगी आपका इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव, दैट्स वाई इट्स कॉल एन टाइप, एन फॉर निगेटिव। ओके, यहाँ पर ट्राईवेलेंट डालोगे तो यहाँ पर मेजोरिटी होगी किसकी? होल्स की। ओके, दैट्स होल्स कैसे होगी? पॉजिटिव, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पी टाइप। ओके, तो ये तो थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिली होगा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के फायदे क्या हुए? देखिए, जब हम इम्प्योरिटी डालते हैं, इम्प्योरिटी डालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग एक प्रोसेस है, ओके, तो ये फैब्रिकेशन के दौरान किया जाता है। इसको मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं, खाली याद रखिए डोपिंग, नॉट ड्रोपिंग, डोपिंग, डी ओ डबल पी आई एन जी, ओके, डोपिंग। तो डोपिंग एक प्रोसेस है, क्या डालने का? इम्प्योरिटी डालने का। अब इम्प्योरिटी जो है ना वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, मतलब बहुत ही कम, मतलब मिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर एटम्स में केवल आपको एक एटम डालना है किसका? इम्प्योरिटीज का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, वन एटम पर मिलियन सेमीकंडक्टर एटम। ओके, तो आपको केवल जो इम्प्योरिटीज़ है वो बहुत ही कम डाली, मतलब ना के बराबर। ओके, तो इतनी सी इम्प्योरिटी डालते ही जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर बहुत ही सारे मतलब चेंजिंग यहाँ पर आ जाती है। इसका मतलब है, यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ, सपोज कीजिए हमने इसको रफ कर दिया इससे पहले। ओके, हमने इसको रफ किया एंड हम यहाँ पर एक सिलिकॉन क्रिस्टल बना लेते हैं। सपोज करो कि सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये प्योर के लिए बना रहा होगी शुरुआत में। ओके, थोड़ा यहाँ पे हो सकता है कि मैं वीडियो को फास्ट कर दूँ जिससे कि टाइम हमारा यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट ना हो, या फिर आप भी थोड़ा सा इसको कट कर सकते हैं अगर आप चाहें। ओके, तो यहाँ पर हर एक जो सिलिकॉन है अपने नेबरिंग से क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। ओके, एंड शेयरिंग करने के बाद वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आप देखिए जो सभी सिलिकॉन से अपने आसपास वाले से क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। ये आपका प्योर का केस है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज ये वाले सिलिकॉन भी अपने पास वाले से क्या करेगी? बाउंड, मतलब शेयर करेगी। यहाँ पर भी अपने पास वाले से शेयर करेगा। तो ये देखिए बीच वाला, इसने सबके साथ शेयरिंग करी, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या कैसे? कैसे? या तो इसको आप क्या करें, इसको हीट करें, मतलब बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएं। तो एनर्जी प्रोवाइड कराने पर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? होल्स। तो एक तरीका तो यह है यहाँ पर आपके मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने का। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि बाहर से आप क्या जोड़ दीजिए? एक पोटेंशियल ऐड कर दीजिए। ओके, पोटेंशियल ऐड करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक्सटेंसिव के अंदर क्या डालते हैं? इम्प्योरिटी डालते हैं। सपोज करो आपने डाल दिया एल्युमिनियम, क्या डाल दिया? एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम जब देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पर हम डोप करते हैं। ओके, जैसे ही एल्युमिनियम यहाँ पर डोप करोगे तो एल्युमिनियम जो है एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है उसकी जगह कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा। ओके, और एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 3। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंसी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? होल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या बनेगा? होल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, एल्युमिनियम ने अपने आसपास वालों से क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। एंड शेयरिंग करने के बाद एल्युमिनियम के पास यहाँ पर क्या बच रहा है? होल बच रहा है। तो ये होल जो है ये आपका क्या? फ्री है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि ट्राईवेलेंट डालने पर क्या आ रहा है? होल्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्रिएट हो रहे हैं? होल्स।
ओके, और होल्स क्या आपका पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो हमने इसको क्या बोला पी टाइप। तो जैसे ही आपने एल्युमिनियम डाला मतलब ट्राइवेलेंट डाला तो ये क्या बन गया आपका पी टाइप बना। ओके, तो पी टाइप में आप देख पा रहे हैं कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी किसकी बनेगी, होल्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपने ना तो बाहर से कोई पोटेंशियल ऐड करा, नहीं आपने बाहर से कोई थर्मल एनर्जी दी, उस केस में भी इसके पास क्या है, फ्री होल्स है। क्या है? फ्री होल्स। ओके, तो जीरो केल्विन पर भी अगर मैं बात करूँ तो जीरो केल्विन पर भी इसके पास क्या, होल्स है। बाकी सब तो क्या, बाउंडेशन बनाए हुए, इसके पास होल्स है। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर बॉन्ड टूटते हैं, सपोज करो यहाँ पर बॉन्ड टूटने लगे, ओके, बॉन्ड टूटने पर जितने इलेक्ट्रॉन किट होंगे उतने होल्स किट होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन होल्स तो ऑलरेडी है ना, ओके, एंड टूटने पर होल्स किट होगी, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है किसकी बनेगी, होल्स की बनेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में क्या होगा, माइनॉरिटी में होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पी टाइप की बात करें, किसकी बात करें, पी टाइप की, तो पी टाइप की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो होल्स है, ओके, वो क्या में है, मेजोरिटी में, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या में होंगे, माइनॉरिटीज में होंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि पी टाइप के अंदर जो आपके होल्स है वो आपका मेजोरिटी में होते हैं, एंड यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो, मतलब फ्लो होता है किसकी वजह से, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है किसका होगा, होल्स का होगा। अब यहाँ पे देखिए, होल्स जो है वो एक्सेप्टर होता है, क्या होता है, एक्सेप्टर, क्योंकि होल्स का एक खाली प्लेस है। ओके, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या आपका एक्सेप्टर है, ध्यान रखिए। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्स एक्सेप्टर, तो इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एक मतलब यहाँ पर अगर हम बनाएं, जैसे सपोज कीजिए कि आपका क्या है, ये कंडक्शन बैंड, और ये क्या आपका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये आपका क्या, वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिए, इम्प्योरिटीज मिलाने से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए हो जाता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए हो जाता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि इम्प्योरिटी डालने की वजह से जो आपका फॉरबिडन गैप था, ओके, जो मना कर रहा था इलेक्ट्रॉन को मतलब जंप करने के लिए, उसका वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन और इजीली जंप कर सकता है, ओके, एंड उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देख पा रहे हैं कि इम्प्योरिटीज ऐड करने के बहुत सारे हमें फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये किसके लिए है, आपका इम्प्योरिटीज जब हम ऐड कर देते हैं तब के लिए। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये जो आपका एक्सेप्टर है, ओके, यहाँ पर एक और होता है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल से मतलब होता है बच्चों कि वो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कि ऑक्यूपेंसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ बन जाए, क्या बन जाए, हाफ। ओके, तो इसका मतलब है कि पी टाइप में जो आपका फर्मी लेवल है, क्या है, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल होता है हमेशा इस गैप के बीच में, ओके, मतलब एनर्जी गैप के बीच में क्या होता है, एक लेवल होता है, उसे क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी को, ओके, किसकी प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के हाफ होने के, मतलब आधे होने के। तो इसका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाता है, नीचे, मतलब वैलेंस बैंड के पास में, किसके पास में, वैलेंस बैंड के पास में। उसको लिखते हैं ई एफ से, ए का मतलब एनर्जी, एफ का मतलब फर्मी, ओके। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो हमेशा क्या होता है, मिड में होता है। इस चीज़ को दिमाग में याद कर लीजिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो कहाँ होता है, बीच में, ओके। मैं यहाँ पर फर्मी पूरी तरह से लिख भी रहा हूँ, फर्मी। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो कहाँ पर होगा, बीच में होगा। लेकिन पी सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल है वो कहाँ चले जाते हैं, वैलेंस बैंड के पास में। अगर इम्प्योरिटीज और ज़्यादा ऐड कर दी जाए, अगर इम्प्योरिटीज और ज़्यादा ऐड कर दी जाए तो फर्मी लेवल हो सकता है कहाँ चले जाए, वैलेंस बैंड में। एंड जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज ऐड करोगे उतना ही जो आपका जो ये फॉरबिडन गैप है वो क्या होता रहेगा, क्लोज होता रहेगा, मतलब वो पास में आता जाएगा, ओके। तो ज़्यादा इम्प्योरिटीज अगर हम डालते हैं तो जो आपका फॉरबिडन गैप है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड जो आपका फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाता है, वो वैलेंस बैंड में चला जाएगा, किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन आप सोच रहे सर तो इसका मतलब यहाँ पर पूरी तरह से इम्प्योरिटी डाल दो, क्यों हमने एक मतलब एक डाली एक मिलियन पर, आप बहुत सारे डाल दो। अगर हमने बहुत सारी इम्प्योरिटी डाल दी तो यहाँ पर उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी हम बात करेंगे कुछ जो आपके नेक्स्ट लेक्चर आएगा उनमें, ओके। तो
होप आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स बनते हैं, होल्स क्या होते हैं पॉजिटिव, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, दूसरा यहाँ पर आपका जो होल्स है वो मेजोरिटी में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या में होते हैं माइनॉरिटीज में होते हैं, एंड होल्स को हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सेप्टर। ओके, एक्सेप्टर होने की वजह से जो आपका फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाता है वैलेंस बैंड के पास में। ओके, अगर हम इम्प्योरिटीज को बढ़ा दें तो हो सकता है कि फर्मी लेवल जो है वो कहाँ चला जाए वैलेंस बैंड में चला जाए। ओके, एंड यहाँ पर जो आपका पी टाइप है वो कब बना, जब हमने ट्राईवेलेंट डाला, क्या डाला ट्राईवेलेंट। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ एंड अब हम बात करने वाले एन टाइप के लिए, किसके लिए एन टाइप के लिए। चलो रफ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब हम बात करते हैं किसके लिए एन टाइप। देखिए यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, आपको जो नोट्स है और होप आपको जो क्लास है उसमें मिल जाए। अगर आपको नोट नहीं मिल पा रहे यहाँ से तो आप हमारे जो जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ओके, तो नोट्स की टेंशन में लीजिए, आपके बस समझने में फोकस कीजिए। अगर मुझे एन टाइप चाहिए तो मुझे क्या बनाना, क्या डालना पड़ेगा पेंटावेलेंट, मतलब जिसके पास फाइव वैलेंसी हो, कितनी हो फाइव वैलेंसी हो। तो हमने क्या लिया फॉस्फरस, तो अब सपोज करो कि हमने फॉस्फरस यहाँ पर क्या ड्रॉप कर दिया तो फॉस्फरस आ गया, तो फॉस्फरस के पास क्या है पाँच इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर ली, फिर भी क्या बचा एक इलेक्ट्रॉन बच रहा ना। तो अगर हम जीरो केल्विन की बात करें तो जीरो केल्विन पे भी इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ओके, तो जीरो केल्विन पे भी इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं डोनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं डोनर। तो यहाँ पर एन टाइप में जो मेजोरिटी होती है किसकी होती है इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ओके, तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी एंड इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डोनर। ओके, तो डोनर होने की वजह से जो इसका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाता है, वो फर्मी लेवल चला जाता है आपका कंडक्शन बैंड के पास में, किसके पास में कंडक्शन बैंड के पास में। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसका मतलब जो इम्प्योरिटीज है अगर इसको इम्प्योरिटीज को बढ़ा दिया तो जो फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड के में चला जाएगा। ओके, तो ये था आपके किसके बारे में एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, तो एन टाइप इसको क्यों बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है निगेटिव होता है तो निगेटिव कैसे बनता है एन से, तो उसको क्या बोलते हैं एन टाइप। तो ये तो हमने बात करी जीरो केल्विन की। अगर हम बाहर से इसको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स दें या तो उसको थर्मल एनर्जी दें या फिर क्या करें मतलब बाहर से कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कराए तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड टूटने लगेंगे। अब बॉन्ड टूटने की वजह से नए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बनेंगे, लेकिन जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से ही है। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई और होल्स की जो नंबर है वो क्या हो गया कम हो गए। इसी वजह से हमने क्या बोला कि मेजोरिटी कौन होती है इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं डोनर बोलते हैं। तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं कि जो आपका एन टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जहाँ पर क्या होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती है। ओके, अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हम डालने पर हमें क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजोरिटीज में आ जाते हैं। ओके, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं डोनर, और डोनर होने की वजह से जो आपका फर्मी लेवल है वो कहाँ चला जाता है कंडक्शन बैंड के पास में। अगर इसमें इम्प्योरिटीज को हम और ज़्यादा बढ़ा दें तो हो सकता है कि जो फर्मी लेवल है कहाँ चला जाए कंडक्शन बैंड के बीच में। ओके, दूसरा हमने बताया कि जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये है कि जो आपका गैप है फॉरबिडन गैप वो कम हो रहा है। ओके, जीरो केल्विन पे भी या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है या फिर आपके पास होल्स है, इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा। और तीसरा ये कि इम्प्योरिटी डालने की वजह से जो इसकी कंडक्टिविटी है वो आपका 20 टाइम्स क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ओके, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप के, एक आपका एन टाइप और एक आपका पी टाइप। ओके, तो और हाँ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे टेम्परेचर इंक्रीज, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये था हमारा आज एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। एंड होप आपको जो वीडियो लेक्चर है उसमें काफ़ी मतलब जो भी इन्फॉर्मेटिव था मैंने यहाँ पर सब एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो या फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस है तो आप हमें अपने जो सजेशन है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं।
एंड जाने से पहले आप मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।